तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को एक नए वीडियो के अंदर, जिसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 118 के 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों के अंदर आपके हाथों में होगा। तो बस आपको समझना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो करते हैं क्लास की शुरुआत, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि सबसे पहले तत्वों के नाम तो आपको याद होने चाहिए। किस प्रकार से तत्वों के नाम याद करने हैं, मैंने आपको ट्रिक वीडियो के माध्यम से समझाई हुई है, जाकर के देख लेना, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से तत्व याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 30 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, जिस प्रकार से मैंने बोले उसी प्रकार से आपको, मतलब कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है, कंफ्यूज तो बिल्कुल मत होना, ठीक है। क्योंकि यदि आप वीके साइंस के साथ जुड़े हो तो जरूर कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जिस प्रकार से आप देखो आसान भाषाओं के अंदर समझते हैं हम, आप देखो मैंने यहाँ पर लिखा SPDF उपकोष है, तो आप क्या स्कूल के अंदर जाते हो, तो स्कूल की तुलना आपको कोष से करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को भरना। जिस प्रकार से आपने एक परमाणु की संरचना देखी है कि हाइड्रोजन परमाणु की संरचना, इसमें क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। ये कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं के अंदर एक, ये दो, इस प्रकार से ये तीसरी कक्षा, इस प्रकार से ये चौथी कक्षा, ये कक्षा है, कक्षा को कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष। एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार से पांच, छह, सात, आठ। और रियल में तो परमाणु का आकार बहुत बड़ा किलोमीटर के रूप में फैला होता है, ठीक है, जिनकी कल्पना करना भी लगभग असंभव होता है। अब देखो ये क्या है, कोष है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको मानना है ये क्या स्कूल है, ठीक है। अब जैसे कि स्कूल बहुत सारी है, ठीक है, हमारे गांव के अंदर बहुत सारी स्कूल है, जैसे कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, एक BTM स्कूल है, एक माँ सरस्वती स्कूल है, एक शारदा स्कूल है, एक सनसिटी पब्लिक स्कूल है, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग स्कूल है। तो इसी प्रकार से ये कोष है अलग अलग, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि एक दो कोष हो गए, अब इन कोष के अंदर क्या होते हैं उपकोष, इस बात का ध्यान रखना, इस कोष के अंदर क्या होते हैं उपकोष, और इन उपकोष को मैंने नाम दिया SPDF, इन उपकोष को मैंने क्या नाम दिया है, SPDF। तो ये ध्यान रखना कि इनको कोष, उपकोष को मैंने नाम दे दिया SPDF। अब इनमें आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और समझ लीजिए, फिर हम इलेक्ट्रॉन भरने की शुरुआत करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का व्यवस्थित करना, इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित रूप से भरना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो उपकोष के अंदर आपको पता चल गया SPDF ये क्या है, उपकोष होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। पहली लाइन के अंदर आप एक लिख रही हो, एक यहाँ पर क्या है, कोष है, तो एक लिख दो। दूसरी लाइन के अंदर आप दो को दो बार लिखना है, क्योंकि दूसरी लाइन है। अब तीसरी लाइन के अंदर आपको तीन को तीन बार लिखना है, इसी प्रकार से चौथी लाइन के अंदर चार को चार बार लिखना है, पांचवी लाइन के अंदर आपको पांच को पांच बार लिखना है, और छठी लाइन के अंदर आपको छह को छह बार लिखना है, इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, इनको इसके साथ साथ में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब अकेले तो रह नहीं सकते, क्योंकि जोड़ा तो चाहिए, ठीक है, जिंदगी भी जोड़ों से ही तो उत्पन्न होती है, नहीं तो किससे उत्पन्न होती है, तो इसको भी जो जोड़ा तो चाहिए, ठीक है। अब देखो S है तो S लिख दो यहाँ पर, इसके अंदर दो आए, दो है तो दो, दोनों को साथ में लो, ऐसे नहीं कि PD लिख दो, गलत हो जाएगा। S को लिखना है, फिर P को लिखना है, तो S को लिख दो, P को लिख दो, फिर तीन है तो तीनों को लिख दो SPD, फिर चार है तो चारों को लिख दो SPDF, फिर पांच है तो पांच को लिख दो SPDF, और ये FE, फिर छह है तो छह को लिख दो SPDF E और G, ठीक है। अब सर आगे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, Z तक हो सकता है यदि हो गए तो, ठीक है, क्योंकि अब तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। 118 तत्व कौन था, ओग्नेशन है, ठीक है, OG है, प्रतीक है, ओग्नेशन है, तो 118 तत्व का भी निकाल सकते हो, आप देख लेना। यदि ये क्लास एक देख ली ना तो आप 118 के 118 तत्व निकालोगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप इसमें गोले बनाओ तो बढ़िया है, क्योंकि थोड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से आप स्कूल के अंदर भी भेड़ बकरियों की तरह थोड़ी ना बैठते हो, स्कूल के अंदर भी तो आप ढंग से ही बैठते हो, लाइन से बैठते हो, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी तो चाहेंगे कि हमको भी भाई लाइन से जमाओ, ऐसे मत जमाओ, नहीं तो इनको बुरा लग जाएगा,
तो मैंने इनके चारों तरफ बना दिए गोले। अब आप इन गोलों को काटना स्टार्ट करना है, तो सर बनाया क्यों? और भाई समझाने के लिए बनाया, ठीक है। अब इनको देखो, आप यहां से काटना स्टार्ट करो। अब एक बात का ध्यान रखना, गोले को पीछे से काटना है, ठीक है, मेरे पीछे से नहीं, कहने मेरा गोलों को पीछे से काटना है। इस प्रकार से काटा तो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो यहां से काटना आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या 1s आया है, तो 1s को लिखो साइड में, ये लो 1s भाई। अबे फिर यहां से काटो, 2s आ रहा है तो 2s को लिखो। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस लाइन के अंदर पहला हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले 1s में भरेंगे फिर 2s में भरेंगे। सर कितने भरेंगे सब बता दूंगा, ठीक है। अबे वापस यहां से काटो। अब देखो पहले क्या आ रहा है, 2s 2p आ रहा है, 2s के बाद में 2p फिर 3s तो 3p, सॉरी तो 2p के बाद में 3s आ रहा है, तो यहाँ 3s, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर 3p आ रहा है तो 3p भर दो। 3p के बाद में क्या 3d आ रहा है, कटा ही नहीं है 3d, तो क्या आ रहा है 4s आ रहा है, तो 4s। अब आपको यहाँ से काटो वापस। भाई सेशन पसंद आया तो लाइक करते रहना, ठीक है। अब है 3d, तो अब देखो 3d आ गया यहाँ पर, 3d के बाद में 4p आ गया, 4p के बाद में क्या आ गया 5s आ गया, ये 5s, 5s के बाद में यहाँ से काटते जाओ, फिर से बस काटते जाओ, ठीक है। अब देखो 5s हो गया, 5s के बाद में 4d आ रहा है, तो लिख दो 4d, 4d कैसे आया रे, 5s, 4p आ गया, हाँ ठीक है 5s, और फिर क्या 4d आ रहा है तो 4d आ जाएगा, फिर 5p आ जाएगा, फिर 6s आ जाएगा। इसी प्रकार से अब काटो इसे। अब देखो 4f आ रहा है, ठीक है 5d आ रहा है, 6p आ रहा है। इस प्रकार से इसको भी आप आसानी से काटोगे, जैसे जैसे ये कटते जाएंगे आपको यहाँ पर लिखते जाना है। मैं यहाँ पर यहाँ तक लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे लगभग यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन भरने, इसमें कैसे भरने हैं वो भी आपको बताऊंगा। एक और आपको बात ध्यान रखनी है कि एस के अंदर जो एस उपकोष होता है उसके अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एस के अंदर हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। पी के अंदर अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी के अंदर हम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एफ के अंदर हम अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, याद करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला भी बाद में बता दूंगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला है, लेकिन ज़्यादा आपको इतना मतलब लंबा जाएगा फिर मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तब आपको इलेक्ट्रॉन भरने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर 1s है, 2s है, 2p है, 3p है। तो सबसे पहले आपको देखो हाइड्रोजन के पास में मैंने 1 लिखा है, कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है वो 1 है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है, और प्रोटॉन की संख्या 1 है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 ही है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि इसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन 1 है, परमाणु को जितने परमाणु क्रमांक है, जिस पर कोई आवेश नहीं होना तो समझ लेना जिसका परमाणु क्रमांक है वही उसका इलेक्ट्रॉन है, जिसका परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉन है, और परमाणु क्रमांक आपको याद करने है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को आपको भरने के लिए सबसे पहले 1s लिखो, ये 1s, ठीक है। और फिर आप 2s भी लिख सकते हो इस प्रकार से, 1s 2s 2p। अब हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और एस के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 2, ठीक है। एस के अंदर अधिकतम 2 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो 1 ही है, तो कम से कम 1 भी हम भर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 1 भर दिया। अब क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पूरा इतना ही है बस, ठीक है। तो ये साफ कर दो क्योंकि हमारे काम का ही नहीं है, तो ये हमने कर दिया साफ। अब देखो हाइड्रोजन है 1s1 आ गया, इसको बोलते हैं 1s1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हीलियम का करना है, इसी प्रकार से आपको वापस 1s 2s ये लिखना है इधर, ठीक है 1s 2s 2p। ये भी इतना भी समझ में ना आए तो ये लाइन याद कर देना, ये सिर्फ आपको लाइन याद करनी है, और कितने इलेक्ट्रॉन आखिर भरे जा सकते हैं बस इतना ही याद करना, यदि ये भी समझ में ना आए तो, ठीक है। और मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया, आपको समझ में आ जाना चाहिए।
लेकिन किसी को नहीं आए तो ठीक है, और भी आसान भाषा में समझना चाहते हो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट जरूर कर देवे, मैं आपको पक्का वीडियो बना करके समझा दूंगा। अब देखो आपको हीलियम के अंदर दो लिख रहा है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन है अधिकतम, और दो इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से भर सकते हैं, क्या एस के अंदर अधिकतम कितने भर सकता हूं, दो भर सकता हूं, ये दो भर दिए। अब क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है, नहीं, दो थे, दो को हमने भर दिया तो ये खाली है, कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का, तो ये 1s2 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम के पास में तीन लिखा है, इसका मतलब तीन इसमें परमाणु क्रमांक है, तीन परमाणु क्रमांक है तो तीन इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के अंदर आप देखो 1s 2s कहां से लिख रहा हूं, मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, आप लिखना चाहो तो फिर 2p लिख दो भले। अब अधिकतम तीन है तो इसमें तीन भर दूं, गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, क्योंकि हमने कहा है कि एस उपकोष के अंदर अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, टू हम फिल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो आपको क्या करना है कि इसमें दो ही भरने हैं। अब दो इसमें भर दिए, पीछे कितने रह गए, एक, क्योंकि टोटल तीन थे, तीन में से दो तो इसमें भर दिए हमने, पीछे रह गया एक, अब एक को इसमें भर दो और ये कोई काम का नहीं है तो इसको साफ कर दो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s1 बस। अब आपको बेरिलियम चेक करो, बेरिलियम के अंदर चार है तो टोटल फिर क्या लिखूं, 1s 2s 2p, सर मैं पूरा लिख दूं तो लिख दो, लो 3s 3p ये भी लिख दो। अब इलेक्ट्रॉन भरो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार, तो चार इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s में कितने भरूंगा, दो, इसमें s में कितने भरूंगा, दो, और हमारे पास में दो इसमें भर दिए, पीछे रह गए दो, और दो वापस इसमें भर गए, पीछे रह गया जीरो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा, तो ये साफ कर दो बस। देखो इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित हो रहे नहीं हो रहे, परिभाषा के अंदर में यही पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित रूप से भरना, भर रहे इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित रूप से, ठीक है। अब आपको बात करनी है बोरॉन की, ठीक है। अब बोरॉन के अंदर क्या करना है कि बोरॉन के अंदर आपको भरना है 1s, फिर आपको 2s, फिर आपको 2p, ठीक है। अब पांच इलेक्ट्रॉन है अधिकतम, तो पांच पहले तो दो इसमें भर दो, दो इसमें भर दो, चार हो गए इसमें तो कंप्लीट। अब इसमें चार कंप्लीट हो गए तो पीछे एक रह गया है, तो एक इसमें भर सकते हैं, ये लो एक, और सर इसमें दो क्यों भरे, सर तीन क्यों नहीं भर सकते, अरे भाई भले ही दो लिखे हो आगे लेकिन एस के अंदर तो अधिकतम दो भर सकते हैं, इसलिए हमने तीन नहीं भरा है, ठीक है। अब मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन 1s2, ठीक है, 2s2, और फिर आ जाएगा यहां पर 2p, छह इलेक्ट्रॉन है, दो इसमें भर दिए, दो इसमें भर दिए, दो इसमें भर दो, ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखो इसमें छह भर दिए, अब है नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन के साथ है, ठीक है। इससे पहले कि गम बहुत है जिंदगी में मगर खुलासा मत होने देना, कि गम बहुत है जिंदगी में मगर खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। अब चलते हम वापस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। अब मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, नाइट्रोजन का कितने अधिकतम, सात इलेक्ट्रॉन भरने इसमें अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 1s, फिर 2s, फिर क्या है 3p, सॉरी 2p, ये 2p, फिर क्या है 3s, ये 3p, फिर क्या है, फिर क्या है 3s के बाद में 3p। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन भर दो जो भी जरूरत पड़ेगी, आगे आगे हम भरते रहेंगे, ठीक है। तो s के अंदर कितने भर सकते हैं अधिकतम, दो, तो ये दो लिख दिया, इस s में भी अधिकतम दो, तो दो लिख दिया, दो दो चार इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, सात में से चार गए, पीछे रह गए तीन, इसमें अधिकतम कितने, छह इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो तीन नहीं है, तो तीन के तीन इसको दे दो, ये ले तू खुश, ठीक है। तो अब इसको हटा दो आप वापस, ठीक है। अब देखो, अब ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं, ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वापस आपको लिखना है 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के अंदर आपको ये देखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं सबसे पहले s के अंदर दो भर रहा हूं, पीछे रह गए छह, दो भर रहा हूं, पीछे रह गए चार, फिर चार के चार इसमें भर दो, ये कोई काम का नहीं है तो हटा दो इसे, ठीक है। और सर इनको नहीं लिखे तो एक्स्ट्रा नहीं लिखो तो मेरे को और भी बढ़िया बात है, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए आपको मैं लिख रहा हूं। फ्लोरीन के अंदर नौ इलेक्ट्रॉन है, तो पहले लिख दो 1s 2s, मैं अभी बात 2p तक लिख रहा हूं, यदि आगे जरूरत पड़ेगी तो हम और लिख देंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन के अंदर नौ है, तो नौ के यहां पर दो लिख दो, पीछे रह गए सात, अब दो रह गए, पीछे रह गए पांच, ये पांच के पांच हो गए, ठीक है, पांच और दो सात और दो नौ इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। अब नियॉन के अंदर दस होते हैं, तो लिख दो 1s 2s 2p, और फिर क्या है 3s है, ये 3s लिख दो, दस इलेक्ट्रॉन भरो, दो भर दिए पीछे रह गए आठ, दो भर गए पीछे रह गए छह, दो भर दिए पीछे रह गए चार, ओ सर यहाँ पर तो p है, p के अंदर अधिकतम छह इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहां से हटाओ,
अब देखो दो यहाँ भर दिए बिचरे के आठ, दो यहाँ भर दिए बिचरे के छः, और छः के छः इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, तो ये हो जाए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम की मैं बात करता हूँ तो इसमें 1s, 2s, 2p। अब देखो इसमें सोडियम के अंदर मैंने भर दिया यहाँ पर दो, पीछे रह गए नौ, अब दो भर दिया पीछे रह गए सात, इसके अंदर कितने भर सकता हूँ मैं अधिकतम छः, तो छः ऐसे नहीं कि सात भर दो, सात भर दिया तो सीधा गलत हो जाएगा, पहले से कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए क्योंकि अधिकतम आपको बता रखा है कि छः भरने, तो छः भर दिए। अब आपको देखो दो चार, दो और दो चार और छः दस, तो भर दे, अब रह गया एक इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास आगे है, आगे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास जेब में तो है, तो जेब में से निकाल दो ये 3s, 3s निकाल दिया और फिर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन भर दो यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर मैग्नीशियम के 1s, 2s, 2p, 3s, भरो इलेक्ट्रॉन, दो पीछे रह गए दस, दो आठ, छः दो और ये दो रह गए। अब देखो ये हमने देखा है कि 12 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब किस प्रकार से हमने 12 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाले हैं। अब हम आगे इसके अपवाद है, जैसे कि आप पढ़ते हो 10th क्लास तक तो आप यही पढ़ते हो क्रोमियम और कॉपर अपवाद है, इसके आगे कोई अपवाद पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तो वो भी आपको मैं अपवाद बताऊंगा। और ये देखो, और सर यहां पर देखो पहले 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4 के बाद में 3 कैसे आया, ये क्यों आता है ऐसा? ऐसा इसलिए आता है क्योंकि जो 4s की ऊर्जा है वो 3d से कम है, इस बात का ध्यान रखना, 4s की ऊर्जा 3d से कम है, पहले निम्न ऊर्जा स्तर फिर उच्च ऊर्जा स्तर, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे अगले वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सीखेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।